गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए आज डेट हो चुकी है 15 मार्च 2022। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेट 15 मार्च 2022, और आज जो वार है वो मंगलवार है, जिसको ट्यूसडे बोलते हैं। देखो एक जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है कि 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 15 मार्च जो है, 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस। देखो उपभोक्ता जो है, कस्टमर जो होता है, कस्टमर के हितों को ध्यान में रखते हुए विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की सहमति से 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण, मतलब उपभोक्ता का संरक्षण करने के लिए, उसको उसकी रक्षा करने के लिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये कौन सा है? विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस। अब हमारे इंडिया में, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये कब मनाया जाता है? देखो यहाँ पर दो प्रश्न है, एक तो विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, मतलब प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये जीके का क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। अब अपनी क्लास में जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। 4 टेंस हमारे कंप्लीट हुए हैं। कल की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हमने पढ़ा वो क्या है? वर्तमान में कोई कार्य जारी रहता है। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि पास्ट के टाइम पे कोई कार्य जारी रहा था, मतलब कोई कार्य पास्ट टाइम पर शुरू होकर समाप्त हो जाता है। कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू रहता है, मतलब जारी रहता है और वो पास्ट में समाप्त हो जाता है। वह कार्य कौन से टेंस का होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। मतलब उसका, उस एक्शन का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो प्रेजेंट तक नहीं पहुंचता है। वो जो एक्शन है, जो वर्ब उसमें है, वो कहाँ तक रनिंग रहती है? पास्ट में रनिंग रहती है। तो अब उस टेंस के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो थोड़ा मतलब उसके यूजेज ज़्यादा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसके यूजेज ज़्यादा हैं। यूजेज मतलब वो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। हम जब हमने, कभी आपने पढ़ा हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाला जो टॉपिक है, नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं। उसमें किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, कौन सा, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो जब उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से कहाँ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस में करते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, कि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू होकर समाप्त हो जाता है वो पास्ट कंटिन्यूस में आता है। दूसरी बात, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हुआ है तो उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह क्या हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तीसरी बात यह है कि मान लो कोई दो कार्य हैं। दो कार्य का मतलब है, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं कमरे में बैठकर अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, उसी बीच में कोई और घटना भी हो जाती है। वो घटना कैसी होती है? वो रनिंग में नहीं रहती, वो पॉइंट पे होती है। पॉइंट का मतलब मतलब एक पॉइंट एक्शन होता है। जैसे मैं नदी में नहा रहा था और वहाँ एक सांप आया। क्या आया?
नदी में नहा रहा था, वहाँ क्या है, एक सांप आया। तो नहाने का जो काम है वो तो पास्ट कंटिन्यूस में, और वहाँ जो सांप आया मतलब सांप देखा वो किस में है, पास्ट इंडेफिनेट में है। अब चौथा जो है वो चौथा क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में दो ऐसे कार्य होते हैं जो दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के माध्यम से हम दो ऐसे कार्य एक ही सेंटेंस में दो ऐसे कार्य बताते हैं जो दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था और मेरी बहन चाय पी रही थी, दो वाक्य क्या हुए, मैं खाना खा रहा था जबकि मेरी बहन चाय पी रही थी। देखो दो सेंटेंस आपस में एक क्लोज बन के जुड़े हुए हैं, तो दोनों जो सेंटेंस है वो सेपरेट सेंटेंस किस टेंस में आ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ रहे हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको हिंदी में कहेंगे जारी या निरंतर भूतकाल, जारी या निरंतर भूतकाल। इसका इसके साइड में आप ऐसा भी लिख सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, क्या लिख सकते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, उसका मतलब भी वही होता है, कंटिन्यूस कहो या प्रोग्रेसिव कहो दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखो जारी या निरंतर भूतकाल। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले हम सर्वप्रथम इसका समझेंगे मीनिंग। मीनिंग यह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भूतकाल में शुरू होकर समाप्त हुए कार्य का बोध होता है। देखो हमें मतलब लाइन जो मैंने लिखी है उस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका जो भावार्थ निकलेगा उसको हम रिसीव करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, भूतकाल में शुरू होकर समाप्त हुए, मतलब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और समाप्त हो गया, कहाँ पे, वो भूतकाल में समाप्त हो गया, तो ऐसे कार्य का बोध होता है कौन से टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई भी कार्य भूतकाल में चालू रहता है, कहने का अर्थ क्या है, कोई भी कार्य भूतकाल में चालू रहता है, पर वर्तमान में जब हम उसको अब बोल रहे हैं तब वो कार्य उसका प्रभाव जो है वह नहीं रहता है, कौन से टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। आगे देखेंगे ये हुआ इसका मीनिंग। अब हम देखते हैं इसकी पहचान, आइडेंटिफाई करते हैं इसको, इसकी पहचान क्या है, पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में, किसमें, हिंदी वाक्यों के अंत में। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आया था रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि है अगर किसी सेंटेंस के जुड़ता है तो प्रेजेंट का होता है, और अगर था थी ऐसे जुड़ जाते हैं तो पास्ट का होता है। तो यहाँ कंटिन्यूस है तो रहा रही तो आएगा ही सही, अब यहाँ आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, क्या शब्द है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस है, अगर वह हिंदी में लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान मैंने लिखी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। कहने का अर्थ है
अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसके अंत में इन तीनों में से कोई सा भी शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब वो वाक्य कौन से टेंस का है, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब ये पहचान किसकी हुई, हिंदी की। अब हम यहाँ देखते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेज में, मतलब अंग्रेजी के वाक्यों में, इंग्लिश सेंटेंसेज का मतलब क्या है, अंग्रेजी के वाक्यों में क्या आता है, दोज डेज, क्या आएगा, दोज डेज। जैसे हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस में दीज डेज, क्या देखा था, दीज डेज। एक आ सकता है डेट डे, डेट डे। और जो पास्ट इंडेफिनिट में जो शब्द बताए हैं उनमें से भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो पास्ट कंटिन्यूस में भी आ सकते हैं, बाकी मोस्टली जो है एक तो दोज डेज, एक डेट डे, और अगला है वेन, और एक है वाइल। देखो चार शब्द देखिए आप, दोज डेज, डेट डे, वेन और वाइल, ये चार ऐसे शब्द हैं। ये चार शब्द किसी भी अगर सेंटेंस में कहीं आ जाते हैं तो उसमें क्या है, इस टेंस की प्रबलता बढ़ जाती है, उसमें लगभग चांस यही होता है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो देखो यहाँ पर हमने देखी इसकी पहले इसका मीनिंग देखा, मीनिंग के बाद हमने देखी इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, हिंदी में पहचान के बाद हमने देखा कि इसमें दोज डेज मतलब उन दिनों, डेट डे उस दिन, वेन का मतलब होता है जब, और वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल मतलब जबकि, इस प्रकार। अरे एक और शब्द होता है देन, THEN, देन, ये भी अगर किसी सेंटेंस में आता है तो लगभग संभावना यही है कि वो सेंटेंस कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है। तो देखो इनमें से कोई सा भी सेंटेंस आ सकता है किसमें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य में। अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से वाक्य हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होंगे, कैसे। चार तरह से जो सेंटेंस होते हैं, चार प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं किसके बारे में चर्चा करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो जिस तरीके से ये टेंस, अगर आपको टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आप टेंस के बारे में बहुत कम जानते हैं, टेंस की इंफॉर्मेशन आप कम रखते हैं, तो जिस तरीके से मैं ये जो टेंस पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक लेवल से है। क्या है मतलब, जितनी नॉलेज मैं दे रहा हूँ जितनी पर्याप्त नहीं है, पर बेसिक अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ से अगर पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे अपने जो टेंस जो टॉपिक है उसको बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें अर्थ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दो तरीके का अर्थ होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या होता है, नकारात्मक, और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। तो हम पॉजिटिव सेंटेंस देख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब देखो प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए या इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए कैसा स्ट्रक्चर होता है वो हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या तो लगाएंगे वाज या लगाएंगे वर। पास्ट कंटिन्यूस में सहायक क्रिया क्या होती है, वाज वर। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती है इज एम आर, तो पास्ट में होती है वाज वर। अब देखो वाज वर जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्जिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्जिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम हैं। वाज और वर, वाज में कितने लेटर हैं, तीन हैं, वर में कितने हैं, चार हैं। तो जो छोटा है वो सिंगुलर के लिए, जो बड़ा है वो प्लूरल के लिए। मतलब वाज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब देखो यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ सब्जेक्ट दो तरीके से मैंने लिखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल।
वो आज किसके साथ बताया अपन ने, सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर के साथ पहले तो नेम, अगर किसी का भी नाम है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। इसके अलावा जब प्रेजेंट में हम पढ़ रहे थे आई सब्जेक्ट को, तो आई को हम क्या मान रहे थे, प्लूरल सब्जेक्ट मान रहे थे। पर पास्ट जो होता है, पास्ट में हम कौन सा सब्जेक्ट मानते हैं, आई को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो आज लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो किसी का अगर नाम है, नाम के बाद आई सब्जेक्ट है, या फिर नाम के बदले जो ही या सी आता है, या फिर इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ भी क्या आता है, वाज आता है। वर किसके साथ आता है, वर देखो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का मतलब है, जैसे सिंगुलर नाउन है बॉय, और प्लूरल नाउन क्या हो जाता है, बॉयज, क्या हो जाता है, बॉय। जैसे सिंगुलर नाउन है चाइल्ड, क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, और इसका प्लूरल नाउन करेंगे तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन, क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन। तो ये सिंगुलर नाउन है जिसको एस एन लिखा है मैंने, तो सिंगुलर नाउन कौन से थे, बॉय, चाइल्ड, गर्ल, मैन, वुमेन, इस प्रकार से, और इसका प्लूरल होता है बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या सहायक क्रिया लगेगी, वाज सहायक क्रिया लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या सहायक क्रिया लगेगी, वर्ब सहायक क्रिया लगेगी। बस टेंस सीखने का मतलब वर्ब सीखना ही है। अगर हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो टेंस सीखने में हमें कोई समस्या नहीं है। सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया वाज वर, उसके बाद यहाँ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। कंटिन्यूअस जो है, कोई सा भी टेंस अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना फिक्स है। मतलब क्यों है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म बताती है कि कोई भी कार्य की कंटिन्यूटी रही है। तो देखो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब सहायक क्रिया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है उसके बाद, ऑब्जेक्ट आता है। बाकी और स्ट्रक्चर सेम रहता है, केवल परिवर्तन कहाँ पे होता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और वर्ब पर होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, रेस्ट आता है। फिर क्या आता है, रेस्ट आता है, रेस्ट के बाद फुल स्टॉप आ जाता है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट सहायक क्रिया वाज या वर्ब, वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, वर्ब किसके साथ, प्लूरल के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट की लिस्ट में कौन कौन आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की लिस्ट में कौन कौन आते हैं, मैंने यहाँ लिखा है। सहायक क्रिया लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रेस्ट लिखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किस प्रकार के वाक्य इस अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, मोहन सो रहा था। देखो पहले सीखने का यही होता है कि सीधे वाक्य हम सीखें, सीधे वाक्य सीखने के बाद हम क्या है, अगर वाक्य कठिन हो जाते हैं तो भी हम सीख सकते हैं। मोहन सो रहा था, सेकंड सेंटेंस है, मेरी पत्नी खाना बना रही थी। सेकंड सेंटेंस क्या है, मेरी पत्नी खाना बना रही थी। थर्ड सेंटेंस है, हम मेला देख रहे थे। थर्ड सेंटेंस क्या है, हम मेला देख रहे थे। फोर्थ सेंटेंस है, प्रियंका नाच रही थी। क्या सेंटेंस लिखा है, चौथा मैंने, प्रियंका नाच रही थी। देखो यहाँ पर चार सेंटेंस हमने लिखे हैं, पहला है मोहन सो रहा था, सेकंड है मेरी पत्नी खाना बना रही थी, थर्ड है हम मेला देख रहे थे, और चौथा है प्रियंका नाच रही थी। चार सेंटेंस से शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस है। हमें क्या करना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। ये कैसे पता चलेगा, देखो प्रत्येक सेंटेंस से पीछे क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और यहाँ जो वाक्य लिखे हैं उसमें भी आ रहे हैं। इसका मतलब है ये वाक्य कौन से टेंस के हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब देखो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम सभी सेंटेंस को क्या करेंगे,
ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। अब इसमें सबसे पहले देखो नंबर एक में क्या लिखा है, सब्जेक्ट, मतलब हमें सबसे पहले वाक्य में क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है। मोहन सो रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, क्या है, मोहन है। इस वाक्य में मेरी पत्नी खाना बना रही थी, तो खाना बनाने का काम कौन कर रही थी, मेरी पत्नी कर रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है, माई वाइफ, क्या है, माई वाइफ। थर्ड है, हम मेला देख रहे थे, मेला देखने का काम कौन कर रहे थे, हम कर रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, हम, हमको क्या कहते हैं, वी, हमको क्या कहते हैं, वी। और प्रियंका नाच रही थी, तो नाचने का काम कौन कर रही थी, प्रियंका कर रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका है। देखिए चार सेंटेंस है, प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट हमने लिखा है। अब किसकी बारी आती है, हेल्पिंग वर्ब की सहायक क्रिया की बारी आती है। सहायक क्रिया वाज और वर दोनों में से एक लगानी है, वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। यहाँ मोहन लिखा है, मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। माय वाइफ, मेरी पत्नी, ये भी सिंगुलर ही है, पत्नी एक ही है, इसलिए यहाँ भी क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, वाज लिख दिया। फिर हम मेला देख रहे हैं, तो हम जो है जिसको वी कहते हैं, वी क्या है, ये प्लूरल है। देखो इस लिस्ट में मैंने अभी लिखा था ना, वी क्या है, प्लूरल है, मतलब वी का मतलब होता है हम, और हम जो शब्द है वो अपने आप में बहुवचन है, तो वी वर। प्रियंका नाच रही थी, प्रियंका लड़की का नाम है, और नाम अगर किसी का होता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। बट अगर दो नाम एंड से जुड़े हों, जैसे प्रियंका और मीनाक्षी नाच रही थी, तो प्रियंका एंड मीनाक्षी, तो फिर वहाँ वाज नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, वर, क्योंकि दो नाम अगर एंड से जुड़े हैं तो फिर वो प्लूरल माने जाते हैं। तो प्रियंका वाज क्या है, प्रियंका वाज। देखिए हमने सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, अब क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ है सो रहा था, मतलब सोना, सोना को स्लिप कहते हैं, और स्लिप के पीछे लगाएंगे आईएनजी, तो शब्द बन जाएगा स्लिपिंग। खाना बना रही थी, बनाना, देखो खाने बनाने के अर्थ में कुक वर्ब काम आती है, और कुक के साथ लग जाएगा आईएनजी, कुकिंग। मेला देखना, अब देखो यहाँ मेले को देखने के अर्थ में यहाँ पर क्या है, घूमते हुए देखते, मतलब पैदल चलते हुए देखते हैं, तो इसके लिए एक शब्द होता है विजिट, क्या होता है, विजिट, और विजिट के साथ जुड़ जाएगा आईएनजी, तो शब्द बन जाएगा विजिटिंग। और प्रियंका नाच रही थी, नाचने को डांस कहते हैं, डी ए एन सी ई, तो ई को हटा देंगे लास्ट में और आईएनजी लगा देंगे, डांसिंग, प्रियंका वाज डांसिंग। हमारे पास जो सेंटेंस हैं उसमें सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब वर्ब का काम भी हो गया। अब किसका नंबर आता है, ऑब्जेक्ट का नंबर आता है। ये जो सेंटेंस है, मोहन सो रहा था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरी पत्नी खाना बना रही थी, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, खाना, और खाने को क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, एफ डबल ओ डी, फूड मतलब खाना या भोजन। हम मेला देख रहे थे, इसमें क्या देख रहे थे, मेला देख रहे थे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मेला, तो अ फेयर। देखो यहाँ द भी लगा सकते हैं, वी वर विजिटिंग द फेयर। प्रियंका नाच रही थी, तो प्रियंका वाज डांसिंग, अब नाच रही थी ये तो क्रिया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो प्रियंका वाज डांसिंग, ये सेंटेंस यहीं पूरा होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो हमने ऑब्जेक्ट का काम भी कर दिया, ऑब्जेक्ट के अलावा किसी भी सेंटेंस में कुछ और बचा हुआ नहीं है, तो रेस्ट की जगह कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ मोहन सो रहा था, सेंटेंस बन जाएगा मोहन वाज स्लीपिंग, सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे मेरी पत्नी खाना बना रही थी, माई वाइफ वाज कुकिंग फूड, ये सेंटेंस भी यहीं कंप्लीट होता है। हम मेला देख रहे थे, वी वर विजिटिंग अ फेयर, तो हम मेला देख रहे थे, तो ये सेंटेंस भी यहीं पूरा होता है, वी वर विजिटिंग अ फेयर। और प्रियंका नाच रही थी, प्रियंका वाज डांसिंग, ये सेंटेंस भी यहीं पूरा होता है, प्रियंका के नाचने के साथ ही सेंटेंस पूरे हुए। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से, अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं, इस स्ट्रक्चर के बेस पर हमने अभी सीखे हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस हम कल की क्लास में करेंगे, अभी टाइम हो रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में पता है आपको क्या होता है, पहले थोड़ा मैं बता दूं आपको कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया जो होती है उसके बीच में नोट आता है, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहले से जानकारी है। मतलब सहायक क्रिया के तुरंत बाद में क्या आ जाता है, नोट आ जाता है, और कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा है तो वो जो वर्ब है उस वर्ब का मीनिंग कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे मोहन सो रहा था, तो मोहन नहीं सो रहा था, क्या हो जाएगा, मोहन नहीं सो रहा था। मेरी पत्नी खाना बना रही थी, मेरी पत्नी खाना नहीं बना रही थी। आगे हम मेला देख रहे थे, हम मेला नहीं देख रहे थे। और प्रियंका नाच रही थी, प्रियंका नहीं नाच रही थी, तो कौन नाच रही थी, और ही नाच रही थी। तो देखो ये जो सेंटेंस है ये हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। अब कल की क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे,
तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप ध्यान रखेंगे करंट अफेयर्स के दो करंट के क्या जनरल नॉलेज के मैंने दो प्रश्न आपको बताए हैं। आज 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।